कल दिनांक 9/11/18 को प्रकाश कुमार गोप के माध्यम से चंदन क्यारी स्थित इंडिया एटीएम करके एक प्राइवेट बैंक का एटीएम मशीन था, तो उधर अपना एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए गए। तो उस समय चंदन कुमार करके एक व्यक्ति उनके हाथ से अपना एटीएम कार्ड छीन के उसमें कुछ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, तो उसी वक्त जो है उसको पकड़ के हम लोगों को सौंपा गया था। और पुलिस जैसे उधर पहुंची और उससे प्रॉपर तलाशी की गई तो पता चला कि उसके हाथ में एक एटीएम क्लोनिंग मशीन अपने आप रखा हुआ था। ये बोकारो साइबर थाना के लिए और साइबर रिलेटेड मामला में बिल्कुल नया मामला है, जो पहली बार हम लोग एटीएम क्लोनिंग मशीन को देखे हैं। और इसमें ये जिस तरह से बनाता है, ये यूजुअली पब्लिक का जिसका एटीएम कार्ड फंस गया उस टाइप का जहाँ भी फंसता है उधर इनके माध्यम से मदद करने के नाम पे उनसे एटीएम अपना हाथ में ले लेता है और हाथ में ही जो है उस पर्टिकुलर एटीएम क्लोनिंग मशीन को करते लायक जो है उसको चेंज करके उसको कंप्लीट स्वैप करके उसका सारा डिटेल्स इसमें ले लेता है और मदद करते वक्त उनका पिन नंबर झाँक के कहीं देख लेता है और ये कंप्लीट डेटा इस टाइप का कलेक्ट करके फिर इकट्ठा करके करने के बाद उधर से नया एटीएम कार्ड्स बनवा देता है। बनवा करके ये लोग जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है वैसे एटीएम मशीन्स में या जहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है वैसे एटीएम्स में जा करके ये लोग पैसा निकासी करता है। ये एक बहुत बड़ा गुट से संबंधित है और चंदन कुमार बेसिकली नवादा थाना इलाका के रहने वाले हैं। और इनसे ये पता चला कि इस टाइप का एटीएम कार्ड्स का डिटेल्स और पिन नंबर्स के साथ देने के लिए 10,000 रुपया इनको जो है तंका के रूप में दिया गया था एक और लड़का के माध्यम से, और वो भी जो है नवादा के रहने वाले हैं। इस पर्टिकुलर कांड में अनुसंधान जारी है और इस पूरे गैंग को हम लोग पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है।